नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने घर का जो सिंक रहता है उसका जाली आप कैसे चेंज कर सकते हो, या हम लोग स्ट्रेनर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा जो पुराना स्ट्रेनर है टूट गया है, ये ऊपर का इसका जाली हो गया। और अगर हम मैं नीचे की तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे जो सिंक है उसमें जो स्ट्रेनर रहता है, या आप कह सकते हैं जो कप रहता है, ये पूरा टूट के नीचे ऊपर से गिर चुका है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होता है कि जो नीचे वाला कप है और जो ऊपर वाला जाली है, वो एक स्क्रू के थ्रू कनेक्टेड रहता है, एक नट के थ्रू, ठीक है। तो नट ही टूट गया है जिसकी वजह से अलग हो गया है। अब कितने लोग ये सोचते हैं कि भाई इसको मैं चिपका दूंगा नीचे से तो ये काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई चिपकाने का सिस्टम नहीं होता। एक बार आपका ये टूट जाता है तो उस केस में जो कि है, आपको क्या करना पड़ता है, नया ये खरीद के पूरा लगाना पड़ता है। मार्केट में आपको किसी भी हार्डवेयर दुकान में इजीली ये मिल जाएगा पूरा। ये ऊपर और नीचे का सेट रहता है, नीचे का जो एक कप है ये, और जो ऊपर का जाली है, ये दोनों का सेट मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी मार्केट से खरीद के लाया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने खरीद के लाया है, ठीक है। ये इसका ऊपर का एक और जाली है जिसमें जो कचरा वगैरह रहता है वो सब इसमें इकट्ठा होता है। इसको भी हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर, पर मेन ये जाली रहता है और ये कप रहता है, ठीक है। ये मार्केट में पूरा सेट मिलता है तीनों का, इजीली आपको मार्केट में किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। पर जब भी आप हार्डवेयर शॉप से लेने जाते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि जो साइज़ का स्ट्रेनर आपके ये सिंक में लगता है वही सेम साइज़ का स्ट्रेनर लाना है। जैसे कि मेरे सिंक में जो कि है 3 इंच का स्ट्रेनर लगता है, तो मैंने जो कि 3 इंच वाला लाया है, ठीक है। वैसे आपका हो सकता है 4 इंच 5 इंच अलग अलग साइज़ का लग सकता है। आप सिंपली क्या करना, ये जो ऊपर का जाली है इसको खोल के मार्केट में ले जाना, इसको प्लस जो आपका नीचे का कप है वो दोनों को खोल के मार्केट में ले जाना, एंड सेम साइज़ का ही आप लेके आना। अगर छोटा बड़ा साइज़ का आ गया तो ये फिटिंग नहीं खाएगा सही से, ठीक है। तो आपको सेम साइज़ का स्ट्रेनर लेके आना है। अब चलिए सीखते हैं कि इसको फिटिंग कैसे करके किया जाता है, ठीक है। और कितने लोग, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जाली ना टूटा हो, ठीक है, ये जाली और ये कप ना टूटा हो, फिर भी लीकेज वगैरह हो, तो उन लोगों को भी चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इधर में एक नट रहता है, ठीक है, वो नट आपको खोलना पड़ता है, तब जाके ये जो कि है ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अलग अलग होता है। नट कहाँ पर रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। नट जो कि है ये जगह पे रहता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, बीच में जो ये होल दिख रहा है, सेंटर वाला होल, यहाँ पे एक नट रहता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अपना नया वाला जाली में डेमो करके दिखाता हूँ। तो देखो ये नया वाला जाली है और ये पुराना वाला जाली है। तो यहाँ पे देखो ये नट है और इसमें जो कि है ये नट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका नट टूट गया और नीचे से खुल गया। इसका नट को हम लोग कैसे करके खोलते हैं वो सीखते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जाली है, इसका नट को खोलने के लिए आपको एक कॉइन ले लेना है। आप 1 रुपया या 2 रुपये का इस टाइप का कॉइन ले सकते हैं, मैंने 2 रुपये का कॉइन लिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाना है एंड इसको ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है। इसमें देखो दो कट बना रहता है, किस साइड है किस साइड है, छोटा छोटा कट है। आप ऐसे कॉइन रख के इसमें घुमाओगे तो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो नया भी जाली आएगा तो ये ऐसे फिक्स रहता है आपस में, तो इसको जो कि आपको नट को घुमा के खोलना पड़ता है कॉइन से। तो इसको मैं पहले घुमा देता हूँ, तो ये नट जो कि है इसे अलग अलग कर देगा। अभी और टाइट है, हम लोग को और कॉइन घुमाना पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों नट अब लूज हो गया है, अब हम लोग को कॉइन का जरूरत नहीं, हम लोग हाथ से भी घुमा के इसे खोल पा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जाली और कप के बीच में कुछ इस टाइप का एक नट रहता है, ठीक है, वो आपको खोल लेना है। अगर आप लीकेज के लिए नया लगा रहे हो, अगर आप टूट गया है तो अलग हो ही जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। पर अगर आप लीकेज की वजह से लगा रहे हो तो ये सिंपली नट को कॉइन की हेल्प से खोल लेना, ठीक है। नट खोलने के बाद देखो, अगर नया जाली भी रहेगा तो नट लगा रहता है, तो कॉइन से आप खोल के अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी अलग अलग हो गया, और ये सब को हम लोग अभी साइड में रखते हैं, नट को भी साइड में रखते हैं। और अभी सबसे पहले जो कि हम लोग इसको खोलते हैं, ठीक है, ये पाइप में जो हम लोग का कप लगा हुआ है, तो नीचे में जैसे कि आप देख सकते हो ये पाइप में कप लगा हुआ है। इसको खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो कि है एक साइड से आपको एक हाथ से कप पकड़ना है, एक हाथ से पाइप पकड़ना है, एंड ऐसे इसको घुमाना है, ठीक है। इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये खुल के अलग हो जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाओगे तो ये खुल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, खुल के अलग हो चुका है ये कप, इसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि ये पुराना कप हम लोग को कोई काम नहीं है। अब ये जगह पे हम लोग इधर नया कप फिट करेंगे, जो हमने अभी नया वाला लाया है। तो पूरा सेट था, इधर स्क्रू था, ये जाली था, ये कप था। तो स्क्रू और जाली को साइड में रखते हैं और हमारा जो कप था वो इसमें फिटिंग कर देते हैं, ठीक है, नया वाला कप। अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप पाइप में लगा के ऐसे घुमाओगे तो फिट हो जाएगा। तो अच्छे से इसको टाइट कर देना ताकि लीक ना करे कहीं से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसे टाइट करके इसमें जोड़ दिया है, ठीक है।
अब उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं रबड़ है, ठीक है, ये रबड़ आपको पुराने वाले कप में देखने को मिल जाएगा, तो रबड़ पुराने वाले कप से निकाल के ये नए वाले कप में ऐसे फिट कर देना है इस जगह पे, ठीक है। ये रबड़ आप नहीं भी लगाते हो तो चलता है, पर लगा देने से ज़्यादा बेटर है, एकदम भी लीक नहीं करेगा। अगर आप रबड़ नहीं लगाते हो तो अभी तो लीक नहीं होगा, पर इन फ्यूचर लीकेज हो सकता है साइड साइड से, ठीक है। ये पुराना वाला जाली से रबड़ निकाल के नए वाले जाली में फिट कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिन में ये मतलब कि सिंक में इसको फिट करने के लिए एक कप को जो कि है लगाना पड़ेगा। पर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंक में जाएंगे एंड यहाँ पे जो हम लोग का ये पुराना जाली है इसको निकालेंगे एंड इसको भी साइड में रख देंगे, इसका भी काम नहीं है। अब हम लोग जो नया जाली खरीद के लाए हैं, मतलब पूरा सेट, उसका जाली को लेके यहाँ सिंक में से रखेंगे और रखते ही जगह पे ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इतना फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें जो ये नट रहता है इसका, इस टाइप का दिखता है, आपको इस तरीके से जाली के बीच में रख देना है, ठीक है, नट को ऐसे रख देना। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका ये वाला है कप, ये कप को जाली के नीचे की तरफ लगाना है, ठीक है। इसका जो पहले जो जगह पे लगा हुआ था वही जगह पे कप को लगा देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने कप को लगाया। तो मैं जाली उठा रहा हूँ एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि कप को मैंने एकदम जगह मिला के ऐसे फिक्स कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं जाली लगा दूंगा एंड जाली लगाने का थोड़ा सा स्क्रू का हाथ से हम लोग टाइट करेंगे ताकि ये हल्का सा गिरे ना, मतलब कि ये लटका रहे, ठीक है। तो हल्का सा हमने हाथ से टाइट कर दिया है, अब ये जाली से जो कि है वो अटैच होगी हम लोग का पाइप और कप, अब वो नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। अब उसको प्रॉपर फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉइन लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कॉइन लिया है एंड कॉइन लेके इसको प्रॉपरली अच्छे से घुमाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको घुमा घुमा के पूरा अच्छे तरीके से इसको टाइट करना है, तो फटाफट मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमने जो कि है इसे अच्छे से टाइट कर लिया है। आपको टाइट करने के लिए इसको जो घुमाना रहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना रहता है, मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर आप घुमाते जाओगे कॉइन से, ठीक है, तो स्क्रू अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रू टाइट हो चुका है अच्छे से, इधर एकदम भी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। अगर मैं इसको उठाने का भी कोशिश करूँ तो बिल्कुल भी उठा नहीं पा रहा, अच्छे से फिक्स हो गया। और अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो नीचे में भी जो कप है हमारा अच्छे से हमारा जो सिंक में फिट हो चुका है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कप भी हमारा अच्छे से फिट है एंड ऊपर की तरफ भी फिट हो गया है। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो कि है आपने जो सिंक का स्ट्रेनर खरीदा था उसमें आपको कुछ इस तरीके का जाली मिलता है, ठीक है, इसी को हम लोग स्ट्रेनर मेरे बोलते हैं, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, इसके पीछे में अगर मान लो कुछ इस टाइप का रबड़ उबड़ या कुछ प्लास्टिक का पीस लगाए तो उसको ऐसे आपको टान के पहले निकाल देना है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये नया में दिया रहता है, ठीक है। तो उसको आपको निकाल के हटा देना है और सिंपली जो कि है ये स्ट्रेनर को आपको यहाँ पे फिक्स कर देना है, ठीक है। ये बीच में देखो सेंटर में एक होल है, इसमें इसको लगा देना है ऐसे करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो स्ट्रेनर है पूरा अच्छे से फिक्स हो चुका है, ठीक है। एंड अब मैं इधर पानी भी ऑन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नल का पानी ऑन कर दिया, पानी गिर रहा है और पानी बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं हो रहा, पानी एकदम सीधा नीचे जा रहा है। और मैं आपको अब नीचे दिखाना चाहूँगा कि नीचे में पानी लीक कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जो सिंक है सिंक का पानी ऑन है एंड नीचे कहीं पे भी बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, ठीक है, एकदम ड्राई है, कहीं पे भी बिल्कुल भी लीकेज नहीं हो रहा है, सीधा पाइप में पानी होते हुए नाले की तरफ चला जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। तो आपके सामने जैसे आप देख सकते हो मैंने जो कि स्ट्रेनर आपको चेंज करना सिखाया, तो बहुत ही आसान है स्ट्रेनर चेंज करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।